Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, हमारा आज का लेक्चर बेस करता है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपल्सरी इंग्लिश 1 जिसका कोड है 1423. ये बीए बीएस वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए है. So, हम इसका कर रहे हैं यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6 में हम करने जा रहे हैं जी अपना सेक्शन ए जो कि फंक्शन पे बेस करता है, जिसमें हम प्रेफरेंसेस सीख रहे हैं. सो एक्सरसाइज नंबर 3. इन एक्सरसाइज नंबर 3 मिस रेहाना इज आउट फॉर शॉपिंग. मिस रेहाना जो है वो शॉपिंग के लिए गई हैं. शी गोज इन टू अ बिग शॉपिंग मॉल. वो एक बड़े शॉपिंग मॉल में गई हैं. वेयर देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस एंड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. जहाँ बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं और चीजों की वैरायटीज मौजूद हैं. अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज ट्राइंग टू हेल्प हर सिलेक्टिंग थिंग्स. एक सेल मैन जो है वो क्या कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है चीजों को सिलेक्ट करने में. इट इज अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन देम. यहाँ उनके दरमियान एक छोटा सा डायलॉग है. कंप्लीट द डायलॉग विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस और प्रेफरेंसेस. जो डायलॉग है वो मुकम्मल किया गया है. क्या है, मुकम्मल जो है प्रेफरेंस एक्सप्रेशंस के साथ. गो बैक टू द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गिवन यू अर्ली एंड चूज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम. और वो कह रहे हैं जो पहले आपको पैराग्राफ बताएं, आप उनमें से एक्सप्रेशंस को चुने और यहाँ पर आपने फिल करने. राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. सेल रिप्रेजेंटेटिव कहता है जी विच कॉर्पोरेट वुड यू प्रेफर मैम. So, ये प्रेफर का वर्ड आया है. वो कह रहे हैं कि मैम आप कौन सा कारपेट लेना पसंद करेंगी, ये कौन से कारपेट को आप प्रेफर करेंगी. द इटालियन और द पाकिस्तानी मेड. इटालियन इटली का बना हुआ, ये पाकिस्तान का. मिस रेहाना आई थिंक आई वुड प्रेफर द पाकिस्तानी मेड. मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तानी कारपेट को लेना पसंद करूंगी या देखना पसंद करूंगी. सर हाउ अबाउट दिस, इसके बारे में क्या है. Would you like this pink bag or the brown one? आप ये pink वाला लेना पसंद करेंगे या brown? So आपने यहाँ क्या लिखना है, I prefer brown one या I prefer pink one. So यहाँ आपने लिखना है, ठीक है. या आप कह सकते हैं I prefer brown bag. ठीक है, next देखें. Let me show you this. मुझे ये आपको दिखाने दीजिए. This is Chinese silk. ये चाइना की सिल्क है. And this one is Italian. और ये इटालियन है. Which one would you like to buy? आप कौन सा लेना पसंद करेंगे. So यहाँ आपने reply करना है. I think I prefer Chinese rather than Indian. ठीक है, आपकी अपनी है. या I preferly go with Indian rather than Chinese. तो आप इस तरह करके यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट जी सेल रिप्रेजेंटेटिव कहता है जी ओके लेट मी टेक यू टू अनदर सेक्शन. मुझे आपको एक और सेक्शन दिखा लेने दीजिए. दिस इज द कॉस्मेटिक सेक्शन. ये मेकअप का सेक्शन है. डू यू लाइक टू बाय फॉरेन परफ्यूम्स आर द लोकल वन. क्या आप फॉरेन बाहर के बने हुए परफ्यूम देखना पसंद करेंगे या लोकल. सो यहाँ पर ऊपर से अगर हम देखें उन्होंने पाकिस्तानी कारपेट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी हम जाते हैं. सो आई प्रेफर टू बाय लोकल वन या आई प्रेफर टू लाई लोकल वन परफ्यूम. ठीक है जी, ये इस तरह करके आप यहाँ पे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4. In exercise number 4, they are saying what all your preferences are choices in different things. मुख्तलिफ चीजों में आपकी पसंद और नापसंद क्या है. फर्स्ट मेक अ चॉइस, पहले एक अपनी चॉइस बनाएं. एंड देन राइट अ प्रेफरेंस सेंटेंस. और फिर क्या है, अपना प्रेफरेंस सेंटेंस लिखें सिमिलर टू द वन गिवन इन द एग्जांपल. बिल्कुल ऐसा जैसे कि मिसाल में दिया गया है. आई वुड रादर प्रेफर अ चिकन टिक्का प्लीज. मैं क्या है, चिकन टिक्का लेना पसंद करूंगी. सो व्हाट वुड यू प्रेफर, पहले देखें चिकन टिक्का या चिकन कढ़ाई. ठीक है, तो आपने इसी तरह यहां से सेंटेंस बनाना है. चिकन टिक्के का ही बना हुआ है, ये है कैमरा और कंप्यूटर. ठीक है जी, तो आप लिखेंगे आई वुड रादर प्रेफर अ कंप्यूटर. ठीक है, प्लीज
इस तरह आप ये बनाएंगे। फिर इसी तरह सुजुकी कार अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप कहेंगे आई वुड रादर प्रेफर अ सुजुकी कार या सेंट्रो, जो भी आपको पसंद होगा। इसी तरह आप नोकिया सेलफोन या सैमसंग सेलफोन में से किसको करेंगे, तो सो आई विल गो विद सैमसंग सेलफोन, तो आप लिखेंगे आई वुड रादर प्रेफर अ सैमसंग सेलफोन प्लीज। ठीक है जी, आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। इसी तरह आप टेलीविजन या सीडी प्लेयर को पसंद करते हैं, वॉच करना या सन ग्लासेस किसको पसंद करेंगे, ब्रीफ केस है या आप वॉलेट है किसको पसंद करेंगे, सो आप इस तरह अपनी प्रेफरेंसेस को अपनी बुक पे लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये बाकी स्टूडेंट्स तक भी जा सके और उनको भी हेल्प हो सके, और अपने क्लास फेलोज को जरूर बताएं ताकि उनकी इसमें हेल्प हो के ये लेक्चर वो यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मिस्टर अलहार जो है वो क्या कहते हैं और उनके बारे में हम क्या देख सकते हैं। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।